क्योंकि मेरा चैनल पे स्ट्राइक आ चुका है। लाइक मैं युद्धरा मूवी गया था देखने के लिए 20 सितंबर को, जिस दिन सिनेमा दिवस था ना, वो देखिए यार स्ट्राइक आ चुका है, प्लस वीडियो रिमूव। भाई कोई एक होता है ना कॉपीराइट डायरेक्ट दो कि वीडियो आप रिमूव कर लो, लेकिन ये लोग डायरेक्ट रिमूव करवा दिए खुद से ही, स्ट्राइक भी आ चुका। लेकिन लोग क्लेम व्लेम दे के हो सकता था, लेकिन अभी 24 घंटा के अंदर में अगर आप लोग किए तो किए, वरना 90 दिन का ऑप्शन आता, 90 दिन के बाद आप लोग अपना स्ट्राइक रिमूव कर सकते हो। लेकिन उस दौरान जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को हमारा थंबनेल देखने के बाद ही पता चल गया होगा कि हमारा वीडियो किस चीज से रिलेटेड है। सो गाइस, मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि ये वीडियो अपन लोग कॉपीराइट स्ट्राइक से रिलेटेड बना रहे हैं, क्योंकि मेरा चैनल पे स्ट्राइक आ चुका है। लाइक मैं युद्धरा मूवी गया था देखने के लिए 20 सितंबर को, जिस दिन सिनेमा दिवस था, 99 रुपीज का टिकट था वो, मैं गया देखा। उसमें कुछ अपन लोग 2 या 3 सेकंड का क्लिप अपन लोग वीडियो फोन के थ्रू ही अपन लोग लिए थे और उसको ऐड किया अपना वीडियोज में। सिर्फ 3 सेकंड का वीडियोज था वो, और मेरा वीडियोज टोटल 11 मिनट 27 सेकंड के आसपास का वो वीडियो था, और उसमें 3 सेकंड का अपन लोग क्लिप ऐड किए थे। उसमें भी अपन लोग वॉइस को म्यूट कर देते, 2 सेकंड 1 सेकंड सिर्फ वॉइस उसमें डाले थे हॉल का। उस पर कॉपीराइट डायरेक्ट आया, स्ट्राइक आ गया। मेरे को पता नहीं कब आया, कैसा आया, मेरे को कुछ भी नहीं पता, बट जिस टाइम अपन लोग पोस्ट किए थे ना, उस टाइम कोई कुछ भी कॉपीराइट ऐसा कुछ भी नहीं आया था, अपन लोग पोस्ट कर दिए थे। उसके बाद अपन लोग 22 तारीख को मेरा वीडियो पोस्ट हुआ, और 22 तारीख को रात में अपन लोग निकल गए ऋषिकेश की तरफ, जैसा कि आप लोग वीडियो भी देख लिए होंगे, हरिद्वार का वीडियो। इसके जस्ट बाद ये वाली वीडियो आने वाली है, लाइक कल वीडियो आने वाली है, स्ट्राइक के कारण अपन लोग वीडियो नहीं पोस्ट किए थे। तो 23 तारीख को अपन लोग हरिद्वार पहुंचे, फिर वहां से ऋषिकेश गए। ऋषिकेश अपन लोग नीर वाटरफॉल में स्नान किए। उसके बाद जब अपन लोग नीचे आए ना, तो हॉटस्पॉट लेके इस फोन में मैंने कनेक्ट करा, और इसी फोन में मेरा मेन चैनल लॉगिन है। तो देखिए यार स्ट्राइक आ चुका है, प्लस वीडियो रिमूव। भाई कोई एक होता है ना कॉपीराइट डायरेक्ट दो कि वीडियो आप रिमूव कर लो, लेकिन ये लोग डायरेक्ट रिमूव करवा दिए खुद से ही, स्ट्राइक भी आ चुका। मेरे को पता नहीं था स्ट्राइक। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्राइक कैसा है बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि वीडियो तो डायरेक्ट रिमूव हो चुकी है। उसके बाद मैं स्ट्राइक आने के बाद मैंने बहुत से कांटेक्ट करा, बहुत कुछ बोला, किसी ने मेरा हेल्प नहीं किया, कोई ने भी हेल्प नहीं किया। लास्ट में मेरा इंस्टाग्राम पे कुछ यूट्यूबर्स का मैसेज आता है, आपको स्ट्राइक हटवाने का इतना अमाउंट लगेगा, इतना अमाउंट लगेगा, इतना अमाउंट लगेगा। मैंने उसको इग्नोर करा, मैंने कुछ टाइम वेट करा कि भाई देखते हैं कब तक स्ट्राइक हट। सो गाइस, मैंने बहुत सारा मैसेज करा, उधर से रिप्लाई भी आया, तो फाइनली मैंने बहुत हेल्प भी मांगा, बट वैसा कुछ हेल्प मिला नहीं कहीं से। तो मैं अभी आपको पहले स्क्रीन पर डायरेक्ट दिखा रहा हूँ आपका कैसा स्ट्राइक आया है। तो सिंपली सा मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में ही सारा कुछ दिखाऊंगा। सो गाइस, ये अपना रहा स्क्रीन पे जैसा कि मेरा शो कर रहा है, लाइक आप लोग देख रहे होगे, ये यहाँ पे मेरा एक कॉपीराइट स्ट्राइक डायरेक्ट आ चुका है। तो अगर स्ट्राइक वाले पे क्लिक करें ना, तो अपना स्ट्राइक शो करेगा, जो कि 23 सितंबर को मिला था। मैंने बोला था ना 22 तारीख को अपन लोग वीडियो पोस्ट करके हरिद्वार निकले थे रात का टाइम में, और 23 तारीख को अपन लोग दोपहर शाम के टाइम में लगभग नहीं भी तो 4 से 5 बजे अपन लोग देखे थे। उसके बाद मेरा दिल बहुत ज़्यादा ये हो गया था, उस बार बहुत कुछ पता करने के बाद अपने को लाइक देख सकते हो अब मेरा कितना दिन, 90 दिन के बाद स्ट्राइक एक्सपायर होगा, लेकिन आपको स्ट्राइक शो करेगा ही। तो उसको कैसे रिमूव करोगे ना, वो तो मैं आपको वीडियो का एंड में बताऊंगा ही, तो बस वीडियो में बने रहना। लेकिन उससे पहले मैंने कितना से भी हेल्प मांगा ना, मेरे को कोई हेल्प नहीं किया गाइस, कोई भी नहीं। बस एक कुंदन भैया थे जिन्होंने मुझे हेल्प किया, उनके थ्रू मैंने अपना दूसरा चैनल है उसका भी स्ट्राइक मैंने रिमूव करा। तो मैं आपको दूसरा भी चैनल आपको दिखाता हूँ स्ट्राइक कैसे रिमूव करा। तो पहले मैं भी आपको ये दिखा रहा हूँ ये स्ट्राइक के बारे में, और यहाँ पे देखो मेरा वीडियो कितना मिनट का था, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लाइक 12 मिनट 3 सेकंड का था। आप लोग देख रहे हो वीडियो रिमूव करवा दिया गया, कॉपीराइट स्ट्राइक इनविजिबिलिटी कर दिया गया, प्लस सिनेमा 99 रुपीज का ऐसा मैंने वीडियो डाला था। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्राइक का मेल आया था उसके कितने देर बाद डिलीट किया गया। तो यहाँ पे जाते हैं और फिर यहाँ से मैं अभी आपको दिखाऊँ ना, तो ये देखो ये मेल पे आया था, तो ये मेल पे आया था, मैंने उनको रिप्लाई भी करा था गाइस। ये देखो ये कुछ ऐसा मैसेज आया था, मैंने उनको रिप्लाई भी करा, बट कोई ये नहीं किया। व्यू डिटेल में अगर जाओ ना, तो यहाँ पे जाने के बाद आपको कुछ ऐसा शो करेगा, लाइक अभी खुल रही है, थोड़ा सा टाइम लेगी। यहाँ पे डायरेक्ट मेरा यहाँ पे आगे वही वाला चीज दिखा रहा है। तो यहाँ से भी अपन लोग इसको रिमूव नहीं कर सकते, 90 दिन पूरा होगा उसके बाद स्ट्राइक रिमूव करेंगे। आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, तो देखो मैं और भी रिमूव किया हूँ स्ट्राइक दूसरा चैनल का। तो डायरेक्ट यहाँ से आने के बाद ये देखो यहाँ पे आ गए,
और यहाँ पे देखो ना आप, तो यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्राइक रिमूव है, ये चैनल देख सकते हो ऊपर के साइड, यहाँ पे आपको बैक करो ना तो देखो इसमें एक स्ट्राइक आया हुआ था, एक स्ट्राइक आया हुआ था, और इसमें यहाँ पे अपन लोग दूसरा चैनल का ये 99 सब्सक्राइब, मैंने दोनों को रिमूव किया है। तो ये मैं कैसे रिमूव किया हूँ ये मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता सकता हूँ गाइस, क्योंकि ये यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता सकता हूँ। बस आप लोग ना अगर स्ट्राइक आए तो प्लीज़ मेरे को DM करो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, आप लोग कमेंट करो इस वीडियो को देखो उसके बाद DM करो इंस्टाग्राम पे, अगर जिसका भी कॉपीराइट क्लेम आया स्ट्राइक आया मेरे को DM करो, मैं लाइव प्रूफ आपको मैं डायरेक्ट रिमूव करवाऊंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा गाइज, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है ना नुकसान, वो आप लोगों के साथ कोई नुकसान ना हो, बस मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, प्लस मैं अभी एक छोटा यूट्यूबर हूँ, तो छोटा यूट्यूबर को एक एक रुपया कितना मायने रखता है ना वो हम लोग जानते हैं अच्छे से। तो अगर आपको स्ट्राइक आई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताना, प्लस आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके DM कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे जाके DM कर सकते हो। प्लस मैं अभी आपको और भी दिखाता हूँ, ये 98 सब्सक्राइबर्स है, ये वाला मैंने दो स्ट्राइक था, दोनों को रिमूव किया, यहाँ पे देख सकते हो दोनों स्ट्राइक रिमूव हो चुका है। प्लस यहाँ पे बात करो ना तो एक और मैंने रिमूव करा था कुछ ऐसा करके, ये देखो यहाँ पे शो कर रहा है देर आर नो कॉपीराइट स्ट्राइक ऑन योर चैनल, यहाँ पे रिमूव करने के बाद यहाँ पे देखो ऊपर शो कर रहा है ना एक स्ट्राइक 14 सब्सक्राइबर्स वाला, और यहाँ पे देखो वो रिमूव हो चुका है। लाइक वीडियो आप लोग देख सकते हो, गणेश जी का वीडियो है, और यहाँ पे देखो ये गणेश जी वाला वीडियो 14 वाला है ना, ये देखो इसमें एक कॉपीराइट स्ट्राइक शो कर रहा है, और यहाँ पे मैंने इसको रिमूव किया था, तो मैंने रिमूव कर दिया अपना सारा स्ट्राइक, दो तीन चैनल पे था ना, तीनों चैनल से मैंने रिमूव कर दिया स्ट्राइक। और मैं कुंदन भैया को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्हें मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, उन्हीं के कारण मैं अपना स्ट्राइक को हटा पाया हूँ। और अभी मेरा जो मेन चैनल का ये है ना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ अपना मेन चैनल, लाइक ये मेरा मेन चैनल है, इसका अभी टोटल 82 या फिर 83 डेज बच रहा है, 83 डेज होगा ना उसके बाद ये ऑटोमेटिक सा स्ट्राइक रिमूव नहीं होता गाइस, इसको रिमूव करना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है जो कि मैं अभी आपको डायरेक्ट नहीं दिखा सकता हूँ, नहीं बता सकता हूँ, बस यही आप समझो कि मैं डायरेक्ट आपको नहीं दिखा सकता हूँ, कोई गाइडलाइन के खिलाफ नहीं जाके आपको नहीं बता सकते हैं। तो बस मैं यही बोलूँगा जिनको भी स्ट्राइक मिले वो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे DM करना, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, आपको सॉल्यूशन करूँगा, स्ट्राइक रिमूव करवाऊँगा। अगर 24 घंटा के अंदर आप लोग मेरे को पहले ही कॉन्टैक्ट कर लोगे तो मैं आपको 24 घंटा के अंदर ये स्ट्राइक हटवा दूंगा, और अगर 24 घंटे के बाद करोगे तो उसमें आपको टाइम लगेगा, 90 दिन पूरा होगा उसके बाद स्ट्राइक हटती है। तो हो सके आपको जिस टाइम स्ट्राइक आया उसी टाइम आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, अगर इंस्टाग्राम आपको नहीं पता हो तो डिस्क्रिप्शन में जाना, प्लस मैं कमेंट में भी आपको अपना दूसरा ID से कमेंट कर दूंगा, अपना इंस्टाग्राम ID, वहाँ पे जाना DM करना, और फिर वहाँ से आपका स्ट्राइक हट सकता है। सो मैं एक और फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट किए कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो पाया, और यार मतलब इसमें व्यू अच्छा खासा जा रहा था गाइज, बट क्या ही बोल सकते हैं, 3 सेकंड का सिर्फ वीडियो पे स्ट्राइक आया, तो मैं समझ नहीं सकता यार ऐसा क्यों होता है। तो मैं तो अब कभी हॉल का वीडियो नहीं बनाऊंगा, कभी नहीं, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, कभी मैं नहीं बनाऊंगा हॉल का वीडियो। हॉल हाँ, मूवी देखने जाएंगे उस टाइम को बनाएंगे, कौन सा मूवी जाएंगे, मूवी का नाम भी नहीं आज से बताना है मेरे को, क्योंकि मैं तो प्रमोशन करता नहीं हूँ मूवी का, बस ऐसे ही मैं गया सोचा चलो यार मूवी अच्छा है दिखा देते हैं, बट आज से मैं मूवी का कोई भी मूवी का प्रमोशन नहीं करूंगा, ना ही कोई मूवी का आपको मैं सीन दिखाऊंगा, कुछ भी नहीं। सोच रहे हैं यहाँ पे वीडियो को एंड करने के लिए गाइस, सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम गाइस, हर हर महादेव। और अंत में एक बात और बोलना चाहूंगा गाइस कि स्ट्राइक अगर आए ना तो आप कुछ दिन वेट कर लेना, अगर स्ट्राइक रिमूव होने के बाद भी कुछ दिन वेट कर लेना, क्योंकि स्ट्राइक आने के बाद ना अगर आप वीडियो पोस्ट करोगे ना तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, लाइक व्यूज बहुत ही डाउन हो जाती है, जैसा कि मैंने अब स्ट्राइक के बाद एक मैंने अभी वीडियो पोस्ट करा था ना, आप लोगों ने देखा ही होगा, उसे बहुत ही कम व्यूज आया, 50 प्लस भी नहीं गया, 100 भी नहीं क्रॉस कर पा रहा है। तो सोच सकते होगा जिससे पहले वाला वीडियो में हर वीडियो में 500-600 ऐसे व्यू आ रहा था, बट उसमें अपना 50 प्लस भी नहीं जा रहा है। तो बस यही बोलूंगा कुछ दिन वेट कर लेना, 10 दिन 15 दिन, उसके बाद आप लोग शॉर्ट्स डाल सकते हो, लेकिन 10-15 दिन बाद आप लोग वीडियो डालना तो व्यूज सही आएगा आपको, प्रॉपर पहले की तरह हो जाएगा। सो फिर बाय बाय गाइस।